हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे थे साइकोफिजिक्स एंड आई एम सो सॉरी कि इस बार बहुत ज़्यादा गैप हो गया वीडियोस के बीच में, बट आगे हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेबर्स लॉ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। अर्नस्ट वेबर डिड स्टडीज ट्राइंग टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन टू वेट्स दैट कुड बी डिटेक्टेड। अर्नस्ट वेबर ने स्टडीज़ की ये पता करने के लिए कि दो वेट्स जिनको उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास दो अलग अलग साइज़ के पत्थर हैं, तो आप अगर वो दिखने में एक जैसे सेम साइज़ के लग रहे हैं तो इतना कितना उनमें वज़न का अंतर होना चाहिए जैसे कि आप उन्हें उठाकर पता कर पाओ सिर्फ उन्हें उनके वज़न से सोचकर कि ये दोनों इनका वज़न डिफरेंट डिफरेंट है, बिना पता किए कि उनमें वज़न है कितना, लेकिन आप सिर्फ उसको फील करके उसको सेंस करके पता कर पाओ कि इसका वज़न में कितना डिफरेंस है। तो ये जानने के लिए अर्नस्ट वेबर ने स्टडीज़ की। हिज रिसर्च लेड टू द फॉर्मुलेशन नोन एज वेबर्स लॉ ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, दैट इज़ JND। उनकी जो रिसर्च थी उसे फॉर्मुलेशन उन्होंने दिया जिसे कि हम वेबर्स लॉ ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बोलते हैं, JND बोलते हैं, यानी कि जितना जो डिफरेंस एकदम तुरंत मिनिमम डिफरेंस जो कि नोटिस किया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब वही होता है कि वो मिनिमम पॉइंट जहाँ पर वो रीच कर रही है। थ्रेशोल्ड और भी काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, यहाँ पर ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड है जो डिफरेंस को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। अ JND इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई दैट इज डिटेक्टेबल 50% ऑफ द टाइम। JND यानी कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है किसी भी दो स्टिमुलाई के बीच में। याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ वेट के लिए नहीं है, ये हमारी विजुअल सेंसेस के लिए भी ट्रू है, ये हमारे टेस्ट सेंसेस के लिए भी ट्रू है, हमारे स्मेल के लिए, हमारे टच सेंसेस के लिए, और हमारी सारी स्टिमुलाई जो भी हम लेते हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंस हम पता कर पाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक स्क्रीन पर एक येलो शेड्स वाला एक स्क्वायर दिखाया था जिसमें कि येलो कलर के अलग अलग शेड्स दिख रहे थे। एक था स्टार्टिंग में जहाँ पर आप इजीली पता कर पा रहे थे फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में भी पता चल रहा था, और कुछ हद तक थर्ड और फोर्थ में भी पता चल रहा था, बट फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर उन दोनों के बीच की जो लाइन जो उनको अलग कर रही थी वो मिल नहीं रही थी। सो दैट इज़ अबाउट जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कि कितना अंतर दोनों में होना चाहिए, दोनों की ब्राइटनेस में या दोनों के स्टिमुलाई में, दोनों के कलर में, कि वो हम पता कर पाए, उसको डिटेक्ट कर पाए। सो वेबर कहते हैं कि JND वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है किन्हीं भी दो स्टिमुलाई के बीच में, अगर वो दो वज़न है तो उन दो वज़न के बीच में, और अगर वो दो कलर्स है तो उन दो कलर्स के बीच में, जो कि 50% ऑफ द टाइम डिटेक्टेबल होता है, यानी कि 50% ऑफ द टाइम हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर 50% से कम डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द JND, ये जस्ट ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड नहीं है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं। और अगर 50% से ज़्यादा दिख रहा है तो भी और अच्छी बात है, फिर तो वो है, या हो सकता है 50% से भी ज़्यादा दिख रहा है तो वो शायद JND उससे भी कम होगा, डिफरेंस थ्रेशोल्ड, फिर उससे भी हम और नीचे वाले लेवल पर जाकर चेक करेंगे। वॉट एवर द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलाई माइट बी, इट इज़ ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वॉट इज मेंट बाय वेबर्स लॉ। ये मेन लाइन है कि जो कुछ भी डिफरेंस होगा स्टिमुलाई के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है? दो कलर्स में अगर आपको डिफरेंस एक पॉइंट पर पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में इतनी यूनिट का ब्राइटनेस का डिफरेंस होना चाहिए या फिर शेड का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो हर बार किसी दूसरे कलर्स के लिए या दूसरी विजुअल सेंसेस के लिए भी वही डिफरेंस थ्रेशहोल्ड ट्रू होगा उस इंसान के लिए। सेम इज़ विद टेस्ट। हमने पिछली बार चाय में चीनी की बात की थी कि चाय में चीनी अगर है और कितनी चीनी डली हुई है तो हम उसमें कितनी कम या ज़्यादा करेंगे तो इंसान उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर कोई इंसान 5 चम्मच वाली चीनी पी रहा है 5 चम्मच चीनी वाली चाय अगर पीता है तो अगर उसको 1 चम्मच कम या ज़्यादा करने पर उसको डिफरेंस पता चल रहा है तो वही उसका डिफरेंस थ्रेशोल्ड होगा वो 1 चम्मच।
यानी कि 20%। और ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड है, ये हम कैसे पता करेंगे? अगर 50% ऑफ द टाइम अगर हमने उसको 10 बार ऐसे चाय दी एक चम्मच कम या ज़्यादा करके, और वो उनमें से 5 बार पता कर पाया कि इसमें अंतर है टेस्ट में, हो सकता है 10 के 10 बार पता ना कर पाए, लेकिन अगर 5 बार पता कर लिया तो दैट मीन्स दिस इज़ द डिफरेंस थ्रेशोल्ड एंड दिस इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। वो एक चम्मच अगर है तो फिर वो 20% ही रहेगा। अगर कोई इंसान, वही इंसान अगर 10 चम्मच चीनी वाली चाय पीना शुरू कर देता है तो फ्यूचर में उसको फिर 2 चम्मच चीनी का अंतर पता चलेगा, फिर 1 चम्मच चीनी से उसको पता नहीं चलेगा। सो 2 चम्मच चीनी हो जाएगी उसकी डिफरेंस थ्रेशोल्ड। एंड सेम इज़ विद ऑल अदर सेंसेज ऑल्सो। इसकी ये इक्वेशन है, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू के। यहाँ पर डेल्टा आई रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस थ्रेशोल्ड को, यानी कि हमारा डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है, और जो आई है डिनोमिनेटर में दैट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टिमुलस इंटेंसिटी, एंड के सिग्निफाइज द प्रोपोर्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिस्पाइट वेरिएशंस इन द आई टर्म। मतलब कि यहाँ पर डेल्टा आई है वो तो डिफरेंस थ्रेशोल्ड है जो हमने पता किया कि जो 50% ऑफ द टाइम ट्रू होता है, मतलब कि वो वहाँ पर डिटेक्टेबल होता है वहाँ पर डिफरेंस। जो आई है जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो इनिशियल स्टिमुलस है, यानी कि अगर कोई इंसान 5 चम्मच चीनी वाली चाय पी रहा था तो वो 5 चम्मच चीनी उसके लिए इनिशियल स्टिमुलस इंटेंसिटी होगी, सो दैट विल बी आई। और डेल्टा आई क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि उसे 1 टीस्पून पर पता चल रहा है अंतर, डिफरेंस पता चल रहा है। और के जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी हुई है, यानी कि डेल्टा आई अपॉन आई जो लिखा हुआ है एक टर्म, ये टर्म हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा कितने भी डेल्टा आई में वेरिएशंस आ जाए। मतलब कि डेल्टा आई बदलता रहे, अगर हम दूसरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन देंगे, सपोज हमने अभी टेस्ट की बात कर रहे थे, अब हम विजुअल सेंसेस की बात करने लगे या हम स्मेल की बात करने लगे, तो आई बदल गया। कोई चीज़ अगर हम पहले चीनी की बात कर रहे थे, चाय की बात कर रहे थे, अब हम केक की बात करने लगे, चॉकलेट की बात करने लगे, एंड सो ऑन। तो अगर आई बदल रहा है डेल्टा आई भी बदल रहा है, दोनों चीज़ें डिफर कर रही हैं, लेकिन ये जो टर्म है, ये जो इनका रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इट नेवर चेंजेस, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। सो के इज़ अ कॉन्स्टेंट और के ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म कॉन्स्टेंट है। आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट करके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, या जो भी आपको सजेशंस देने हो तो आप दे सकते हो। यू आर फ्री टू डू दिस एंड योर कमेंट्स विल बी काइंडली वेलकम्ड। सो थैंक यू फॉर टुडे, और मैं कोशिश करूँगी हम जल्दी से वापस मिलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।